हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ वर्चुअल रैम के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा अब तक ये जो चैनल है वो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। और आप जो है इसको सब्सक्राइब इस रेड बटन को दबा के कर सकते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल को जो है वो हेल्प मिलेगी और मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस बना पाऊंगा। दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जो है रैम प्रॉब्लम को फेस किया होगा। कई बार आप जो है कुछ सॉफ्टवेयर को रन करते हैं अपने लैपटॉप और पीसी में और वो उनमें जो है लैगिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी रैम को वर्चुअली इंक्रीज कर सकते हैं और अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो है बढ़ा सकते हैं। इससे आप अपने सिस्टम की पूरी तो नहीं लेकिन 20-30% रैम जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए आप इस चीज़ का मेथड जो है वो देख लेते हैं कि इसको कैसे हमको करना है। तो सबसे पहले जो है आपको क्लिक करना है स्टार्ट पे। स्टार्ट में क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स ओपन होने के बाद जो है आपको सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा अबाउट का, और अबाउट में आप क्लिक करें। और अबाउट में क्लिक करने के बाद सबसे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। चार ऑप्शंस में आपको जो सिस्टम इन्फो है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो है आपका सिस्टम है उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपको शो हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो है आपको एक ऐसी विंडो ओपन होकर दिखाई देगी। यहाँ पे एडवांस में क्लिक करना है। एडवांस में परफॉर्मेंस वर्चुअल मेमोरी इसकी सेटिंग्स में जाएँ। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद जो आपको ऐसा एक विंडो ओपन होके आ जाएगी आपके सामने। यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसको छोड़ के अभी हम एडवांस में चलते हैं। एडवांस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा वर्चुअल मेमोरी का। तो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी में आपको सिंपली बस क्लिक करना है चेंज पे, और चेंज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपकी सिस्टम पार्टीशन जो है आपको शो होने लगेगी। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, कस्टम सेटिंग्स में जाना है। कस्टम सेटिंग्स में जाने के बाद तो यहाँ पे देखिए मेरा जो स्पेस अभी अवेलेबल बता रहा है वो इतने MB जो है वो अगर कन्वर्ट करें तो वो GB में निकलेगा। तो इतना स्पेस जो है मेरे अभी इस PC में सी ड्राइव में दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे जो है क्लिक करना है, और तो यहाँ पे जो है आपको जितनी इंक्रीज़ करनी है अपनी रैम वो अमाउंट यहाँ पे आपको डालना है दोनों सेक्शंस में। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टार्ट में और एप्लीकेशंस। हम जो है कैलकुलेटर खोल लेते हैं और कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। ये जो है 1 GB के अंदर जो है आपको इतना मेगाबाइट मिलता है, MB मिलता है 1024। सपोज़ करिए आपको 2 GB रैम अपनी बढ़ानी है तो इसको इनटू करके देख लेते हैं हमारा कितना हिसाब बनेगा। तो ये जो है 2048। अगर ये अमाउंट अगर आप इसमें डालते हैं तो आपका 2 GB रैम जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पे जो मैंने सेम ही अमाउंट जो है दोनों सेक्शंस में डाला है, और डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेट जो है सेट बटन दिया है, सेट पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई कर देना है उसको और ओके क्लिक कर देना है। और यहाँ से भी ओके करके अपने सिस्टम को जो है एक बार रीस्टार्ट कर देना है। तो इस मेथड से आप अपने कंप्यूटर की रैम जो है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, मैं आपको 20-30% की गारंटी दे सकता हूँ कि आप इस चीज़ से अपनी 20-30% जो है रैम को वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।